हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के पढ़ने वाले हैं 3 मार्कर प्रश्न। हिंदी अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, पूरा पेपर 5 कंप्लीट करती है। और हमें अगर हिंदी माध्यम से हैं तो हमें अच्छे मार्क्स दिलाने का ये सबसे बेहतर पेपर है, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम वाले जितना बेहतर नहीं कर पाते हैं, हिंदी माध्यम वाले उससे कई ज़्यादा बेहतर अपने हिंदी विषय में कर सकते हैं। तो हिंदी विषय के जो भी सिलेबस है और जो भी टॉपिक है, आपको उनको सबको 3 मार्कर में भी लिखना है और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न आ सकते हैं उनको भी करना है। जैसे कि प्रतिवेदन है, तो प्रतिवेदन किसे कहते हैं, प्रतिवेदन की विशेषताएँ, उसका प्रारूप और उसका उदाहरण, ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे कि शासकीय पत्र है, तो शासकीय पत्र किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसका हम प्रारूप लेखन कैसे कर सकते हैं और उसका उदाहरण क्या है, है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आज हमारी ये क्लास मैराथन इसलिए है क्योंकि मैं बैक टू बैक लगातार आपको 15 प्रश्न कराने वाली हूँ 3 नंबर के। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस तरीके से हमको आंसर लिखना है, किस तरीके से हमको फ्रेम करना है, हम ये आगे पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले पहली बार हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिल सके। मैं कुछ ही दिनों में 6 मार्कर की भी मैराथन क्लास लाने वाली हूँ ताकि आपका एक एक सब्जेक्ट का मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आपको बन सके। ये मेरे हिंदी के नोट्स का वीडियो है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं वैसे ही मेरे हिंदी के नोट्स हैं। केवल 200 रुपये की सॉफ्ट कॉपी में आपको सब कुछ प्रोवाइड किया गया है और 450 रुपये की इसकी हार्ड कॉपी है जो आपके घर तक पहुंचेगी। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लोकोक्ति से आप क्या समझते हैं। तो लोकोक्ति से मतलब क्या है, लोक में प्रचलित उक्ति, युक्ति, कोई भी युक्ति जो लोक में प्रचलित है वो लोकोक्ति कहलाती है। इसका यूज़ हमारे पूर्वज करते थे, तो हम लिखेंगे हमारे पूर्वज अपने अनुभवों के आधार पर जो बातें कहावतों के रूप में अथवा सूत्रात्मक ढंग से कहते हैं वह लोकोक्ति कहलाती हैं। हमारे पूर्वज अपने अनुभवों के आधार पर जो बातें कहावतों के रूप में अथवा सूत्रात्मक ढंग से कहते हैं लोकोक्ति कहलाती हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है, इससे अब और मुझे व्हाट्सअप करके ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं और आप इसकी हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। इसमें मैं आपको ग्रुप में ग्रामर सॉल्व कराती हूँ, अलग अलग पल्लवन करवाती हूँ, प्रतिवेदन करवाती हूँ, ये सभी चीज़ें मैं आपको इसके जो पेड ग्रुप है हिंदी का उसमें सॉल्व कराती हूँ। नेक्स्ट है लोकोक्ति की विशेषताएँ लिखो। तो जो लोकोक्ति है इसमें कोई ना कोई संदेश अवश्य होता है। मुहावरों की तरह ये भी अभिव्यक्ति को प्रभावपूर्ण बना देती है। अलग समाज की लोकोक्ति उनकी संस्कृति व विरासत का वहन करती है। मतलब हर जो लोकोक्ति होती है वो उसकी संस्कृति और विरासत को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णकालिक क्रिया से आप क्या समझते हैं। तो एक क्रिया से पूर्व यदि कोई अन्य क्रिया हो तो प्रथम क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। यदि एक कोई काम हो रहा है उसके पहले कोई हम दूसरी क्रिया लगा दें तो जो प्रथम वाली क्रिया है वो पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है समश्रुति विन्नार्थक शब्दों से आप क्या समझते हैं। समश्रुति मतलब समान सुनने में हो लेकिन अर्थ भिन्न हो, उनसे आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन में ही समझ में आ रहा है, समश्रुति मतलब समान सुनने में, विन्नार्थक मतलब अलग अलग अर्थों में। तो ऐसे शब्द जो ध्वनि की दृष्टि से तो साम्य रखते हैं, मतलब ध्वनि की दृष्टि से तो समान रहते हैं, किंतु इनके अर्थों में भिन्नता होती है, लेकिन इनके जो अर्थ होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। समश्रुति भिन्नार्थक अथवा समध्वनि भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब जो हमें सुनाई में सेम दिखते हैं लेकिन अर्थों में इनकी भिन्नता होती है, समश्रुति भिन्नार्थक कहलाते हैं। जैसे कि अनल का होता है अग्नि। नेक्स्ट है वाक्य से आप क्या समझते हैं। वाक्य से आप क्या समझते हैं, वाक्य विभिन्न पदों का समूह है। वाक्य क्या है, विभिन्न पदों का समूह है। ये इसमें दिया गया है कि अनल और अग्नि एक जैसे दिख रहे हैं। वाक्य से आप क्या समझते हैं, पहली लाइन में लिखेंगे हम वाक्य विभिन्न पदों का समूह है। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसको पूर्ण अर्थ देने में सामर्थ्य हो, उदाहरण बैठो चलो मत। तो वाक्य विभिन्न पदों का समूह है, वाक्य पदों का व्यवस्थित समूह है, इसमें पूर्ण अर्थ देने में ये सामर्थ्य है, उदाहरण बैठो चलो मत।
नेक्स्ट है मुहावरे से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे वाक्यांश जो अपने पृथक पृथक शब्दों से परे हटकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, अपने शब्दों से अलग हट जाते हैं और कोई विशेष अर्थ को बताते हैं, उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। नेक्स्ट है अनुवाद का स्वरूप बताओ। अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक भाषा के भावों और विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त किया जाता है। अनुवाद क्या है? इसमें एक भाषा के भावों और विचारों को दूसरी माध्यम में भाषा में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि हम करते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट, तो हमने एक भाषा का दूसरी भाषा में स्थानांतरण किया। अनुवाद का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो अनुवाद का स्वरूप कैसा हो, इसे भाव अनुवाद होना चाहिए, मतलब इसके इसमें भाव का भी अनुवाद होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, प्रभावमय होना चाहिए। अनुवाद लक्ष्य भाषा के मुहावरों व लोकाक्तियों के अनुसार होना चाहिए। उदाहरण कोई भी हम यहाँ पे लोकाक्ति लिख सकते हैं, उदाहरण जैसे जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। इस प्रकार से हम अनुवाद क्या है, अनुवाद को हमने क्या लिखा, अनुवाद को पहले इंट्रो लिख दिया, अनुवाद किसे कहते हैं ये लिख दिया, फिर हमने इसका स्वरूप लिख दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं लक्ष्य पाठ्य से आप क्या समझते हैं। देखिए जब हम अनुवाद करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है लक्ष्य भाषा और एक होती है स्रोत भाषा। लक्ष्य भाषा क्या होती है, जैसे कि हमको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसफ़र करना है तो हिंदी में जिस भाषा में हमें ट्रांसफ़र करना होता है वो लक्ष्य होती है, और जिसमें जिससे हम करते हैं वो स्रोत होती है। तो लक्ष्य पाठ्य से आप क्या समझते हैं, जिस पाठ्य में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य पाठ्य कहते हैं। स्रोत पाठ्य से आप क्या समझते हैं, जिस पाठ्य का अवतरण का अनुवाद किया जाता है, जिसका अनुवाद करते हैं, जैसे कि हम हिंदी से इंग्लिश में कर रहे हैं तो हिंदी स्रोत भाषा हो जाएगी। नेक्स्ट है अच्छे पत्रों के गुण। अच्छे पत्र कोई हम अच्छा पत्र लिखना, अच्छा शासकीय पत्र लिखना या अच्छा कोई भी पत्र लिखना है, उसका गुण क्या हो जाएगा, संक्षिप्तता, सरलता, सहजता, प्रभावशीलता। एक अच्छे पत्र में संक्षिप्तता भी होगी, सरलता भी होगी, सहजता भी होगी और प्रभावशीलता भी होगी। नेक्स्ट है अधिसूचना किसे कहते हैं, इसके रूप को बताइए। तो किसी घोषणाओं को शासन की ओर से केंद्र या राज्य सरकारों के द्वारा गजटों में महत्वपूर्ण सहज सूचना के तहत प्रकाशित करना। किसी घोषणा को शासन की ओर से केंद्र या राज्य सरकारों के द्वारा गजटों में महत्वपूर्ण सूचना के तहत प्रकाशित करना अधिसूचना कहलाता है। उदाहरण कोई शासकीय आदेश। मैंने अपने नोट्स में अधिसूचना कैसे लिखते हैं उसका प्रारूप लेखन, उसका उदाहरण प्रतिवेदन कैसे लिखते हैं उसका उदाहरण, उसका प्रारूप पृष्ठांकन का प्रारूप, शासकीय पत्र, अशासकीय पत्र, टिप्पण लेखन, अनुस्मारक, जितना भी हमारे सिलेबस में दिया गया है प्रारूप लेखन के लिए, एग्जाम्पल के लिए, सभी कुछ मैंने अपने नोट्स में कवर किया है। आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में आपको एक ग्रुप दिया गया है, वहाँ पे मैं समय समय पर अपडेट देती हूँ ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो जाए। आप लोगों से मैं ग्रुप में रजिस्टर बनवाती हूँ, उन रजिस्टर में आपको जो मैं अपडेट दे रही हूँ वो आपको लिखना है ताकि आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो और आपके पास नए नए आंसर्स का कलेक्शन भी हो। नेक्स्ट है अधिकरण कारक से आप क्या समझते हैं। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम अपने ही शब्द किसी क्रिया का आधार हो वह पूर्णतः एक अधिकरण कारक कहलाता है। उदाहरण चिड़िया पिंजरे में बैठी है। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम अपने ही शब्द किसी क्रिया का आधार हो वह पूर्णतः एक अधिकरण कारक कहलाता है। उदाहरण चिड़िया पिंजरे में बैठी है। नेक्स्ट है भाषा रूपी शरीर के कितने अंग हैं। भाषा रूपी शरीर के तीन अंग होते हैं, एक होता है अक्षर मतलब वर्ण, दूसरा होता है शब्द और तीसरा होता है वाक्य। तो भाषा रूपी शरीर के कितने अंग होते हैं, भाषा रूपी शरीर के तीन अंग होते हैं, अक्षर, शब्द और वाक्य। नेक्स्ट है द्विकर्मक क्रिया। देखिए द्विकर्मक क्रिया किसे, द्विकर्मक से हमको समझ में आ रहा है, द्विकर्मक मतलब जहाँ पे दो कर्म हो रहे हों, दो काम हो रहे हों, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जो क्रियाएं दो कर्म वाली होती हैं द्विकर्मक कहलाती हैं। उसने रमेश को डंडे से मारा, रमेश को डंडे से, दो काम हो रहे हैं। आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो ये वही है।
तो रमेश को डंडे से मारा। यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, मतलब दो ही कर्म क्रिया हो रही है। तो जो क्रियाएं दो कर्म वाली होती हैं ऐसी क्रियाएं द्विकर्मक कहलाती हैं। उदाहरण, रमेश को डंडे से मारा। नेक्स्ट है मात्रा की परिभाषाएं। व्यंजन में स्वर के मिलने से स्वर का जो रूप परिवर्तन होता है, यदि व्यंजन में कोई स्वर मिल जाए जैसे कि है त, अब ये केवल ता है, इसमें हम बड़ा अ की मात्रा लगा दें, मतलब हमने स्वर लगा दिया, तो इसका जो रूप परिवर्तन हो जाएगा ये हो जाएगा ता, है ना, त से ये हो जाएगा ता, तो ये होती है मात्रा। तो व्यंजन में स्वर के मिलने से स्वर का जो रूप परिवर्तन हो जाता है उसे हम मात्रा कहते हैं। क्या? व्यंजन में स्वर के मिलने से स्वर का जो रूप परिवर्तन हो जाता है उसे हम मात्रा कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स, हिंदी नोट्स की प्राइस है, ये इसकी हार्ड कॉपी है, इसमें आपको टेस्ट, रिविज़न, ग्रुप सभी मिल जाएगा, तो आप इसको कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा पूरा हार्ड कॉपी का पैकेज है, इसमें आप फर्स्ट टू 1-6 पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। और ये इनके पेड ग्रुप है फ्रेंड्स, इन पेड ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, 21 पेड ग्रुप है, आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, इस तरह की बाइंडिंग कॉपी आपके घर तक पहुँचेगी। तो ये सभी आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद आपका ये जो नोट्स का रेट बढ़ जाएगा, इसलिए आप जितना अगर आपको कंफर्म है आपका होना है तो आप नोट्स मंगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।